इस एनिमे की स्टोरी इतनी ज्यादा बढ़िया है कि जुजुत्सु काइसन, माई हीरो अकेडमिया जैसे ही बहुत सारे नए एनिमे भी इससे इंस्पायर्ड है। तो अभी तक हमने डिमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन के साथ 20 एनिमे ऑलरेडी रैंक कर दिए हैं, जो आपको एनिमे रैंक्ड सीरीज के पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखने को मिल जाएंगे। और आज हम ड्रैगन बॉल जी और नारुतो जैसे 10 और एनिमे रैंक करने वाले हैं, क्योंकि मैं ही हूं आपका ऑफिशियल इकलौता टीयर लिस्टर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं, व्हेन माय वीडियोस गोस लाइव योर हैंड्स शुड सब्सक्राइब। तो टाइटल में गॉड लेवल एनिमे ऐसे ही नहीं लिखा, क्योंकि इस लिस्ट का पहला एनिमे है नारुतो। तो देखो, मैं नारुतो शिपुडिन की बात नहीं कर रहा, मैं ओरिजिनल नारुतो की बात कर रहा हूं। और टेंशन मत लो, इसी वीडियो में हम शिपुडिन को भी रैंक करने वाले हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं नारुतो की। तो नारुतो में पहली बात तो बहुत सारे फिलर्स हैं, इसीलिए लोग इसे देखते नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि नारुतो के फिलर्स नहीं होते, क्योंकि ऐसे फिलर एपिसोड से ही तुम्हें बाकी जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में पता चलता है, और वो नारुतो से कैसे लिंक्ड है, उनकी स्टोरी क्या है, जिससे ओवरऑल शो का करेक्टर डेवलपमेंट अच्छा होता है। और नारुतो के फिलर्स बेकार बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ तक कि रिप्ले एपिसोड्स भी राइटर्स ने ऐसे लिखे हैं जिसमें उसने फोर्थ वॉल तक ब्रेक की है, और वो भी बहुत अच्छे से। और बात रही मेन स्टोरी की, तो वो तो एकदम बढ़िया है ही, क्योंकि तुम खुद देखो ये स्टोरी इतनी बढ़िया है कि जुजुत्सु काइसन, माय हीरो अकेडमिया जैसे बहुत सारे नए एनिमे इसी से इंस्पायर्ड हैं। और तो और जिस शो में ककासी, इताची और जिराया जैसे करेक्टर्स हो, तो भाई वो शो तो एक ही स्पॉट डिजर्व करता है, और वो भी गॉड लेवल का स्पॉट। और हाँ, तुम्हें जिराया और इताची में से कौन ज्यादा अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब नेक्स्ट एनिमे है ड्रैगन बॉल जी, जिसके प्रीक्वल को ऑलरेडी हम गॉड लेवल टीयर पे रख चुके हैं। तो क्या ड्रैगन बॉल जी भी वो स्पॉट डिजर्व करता है या फिर नहीं? तो देखो, ड्रैगन बॉल जी स्टोरी से ज्यादा उसके करेक्टर्स के लिए जाना जाता है, जैसे गोकू, वेजिटा, गोहान, फ्रीजा, सेल, ट्रंक्स, बुलमा, एंड्रॉइड 18। भाई ने कमेंट किया मेरी बीवी के बारे में, ऐसा नहीं करो भाई, आपका हाथ जोड़ता हूँ। ये इतने आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, जब ये एक साथ दिखते हैं तो शो का लेवल अपने आप बढ़ जाता है। और स्टोरी भी ड्रैगन बॉल जी की अच्छी है। हाँ, बू सागा थोड़ा लेंदी था, और सैयन सागा भी इतना खास नहीं था, लेकिन फ्रीजा सागा और सेल गेम्स गोट टियर है। और ये दोनों सागा इतने ज्यादा अच्छे हैं कि ओवरऑल ड्रैगन बॉल जी की स्टोरी इससे अच्छी बन जाती है, इसीलिए हम ड्रैगन बॉल जी को रखेंगे गॉड लेवल टीयर पे। अब ड्रैगन बॉल का वन ऑफ द बेस्ट मूव था कामेहामेहा, और मैंने 2-3 शॉट्स में ये देख लिया कि एक और एनिमे ऐसा है जिसमें मेन करेक्टर गोकू का फैन है और वो कामेहामेहा यूज करने वाला होता है, तभी मेरे को ये एनिमे देखने की मन में आई। तो मैंने कमेंट्स में इसका नाम देखा ब्लड लेड, तो मैंने ये एनिमे देखा और मुझे ये थोड़ा अच्छा भी लगा, और तो और मैं हाइप्ड भी हो गया था इस एनिमे के कंक्लूजन के लिए। लेकिन अफसोस, पूरी हाइप गुस्से में बदल गई, क्योंकि इस एनिमे का कंक्लूजन कभी एयर ही नहीं हुआ। तो जिस एनिमे का कोई कंक्लूजन ना हो, जो एनिमे हाइप को खत्म कर दे, वो एनिमे एक ही कैटेगरी डिजर्व करता है, वो है एकदम बकवास वाली कैटेगरी, क्योंकि जेन्युइनली ये एनिमे एक टाइम वेस्ट है। अब टाइम वेस्ट की बात हो ही रही है, तो हम मास्टर ऑफ किलिंग टाइम, देखो मैं तुम्हारी और मेरी बात नहीं कर रहा, मैं सेकी-कुन की बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये एनिमे लिटरली टाइम वेस्ट है, और यही एनिमे का पर्पस भी है कि अगर तुम्हें टाइम वेस्ट ही करना है तो सेकी-कुन को देखो और साथ में टाइम वेस्ट करो। इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट, जैसे हम बचपन में क्लासरूम के बेंच पे टाइम वेस्ट करते थे, वैसे ही वो भी अलग अलग तरीकों से टाइम वेस्ट करता है। और इसके साइड में बैठी रहती है एनिमे की फीमेल प्रोटैगनिस्ट रूमी, जो इसकी हरकतों को देखती है और उस पे कमेंट्री करती है। तो देखो, करेक्टर वर्क, एनिमे की डायरेक्शन और एनिमे का पर्पस, और उसको कैसे राइटर ने फुलफिल भी किया, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन अगर तुम्हें स्टोरी बेस्ड एनिमे देखना है तो ये मत देखना, क्योंकि ये लिटरली टाइम वेस्ट है, और मैं भी रैंकिंग स्टोरी बेसिस पे ही कर रहा हूँ, इसीलिए हम इसे रखेंगे बकवास वाली कैटेगरी में। और हाँ, तुम स्कूल में कैसे टाइम वेस्ट करते थे वो भी कमेंट्स में जरूर बता देना। अब देखो, टाइम वेस्ट की बात बहुत हो चुकी है, अब नेक्स्ट एनिमे है टेरर इन रेजोनेंस, जो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसमें दो लड़के पूरे जापान को हिला के रख देते हैं, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल से बदला लेना चाहते थे। इस एनिमे में भी माइंड गेम होता है, क्योंकि जहां IQ होगा वहां फाइट्स की क्या जरूरत। तो ये एनिमे डेथ नोट और मॉन्स्टर जैसी फील देने की ट्राई करता है, लेकिन इस एनिमे की स्टोरी इतनी ज्यादा खास नहीं थी। और तो और इस एनिमे में 5 कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर मेन फोकस था, लेकिन उनमें से भी 2 ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसमें से एक का नाम तो 5 था और दूसरे का नाम था लीसा। इन दोनों को एनिमे ने बहुत ज्यादा टाइम दिया, लेकिन फिर भी ये दोनों कैरेक्टर्स खराब थे। और उन 5 में से बाकी के 3 कैरेक्टर्स 9, 12 और शिबाजाकी, इन तीनों ने ही पूरे एनिमे को संभाला और उसे देखने लायक बनाया। तो इसीलिए हम टेरर इन रेजोनेंस को रखेंगे ठीक वाली कैटेगरी में। तो अब IQ की बात हो ही रही है, तो क्लासरूम ऑफ एलीट को कैसे भूल सकते हैं। देखो, इस एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट अयाना कोजी वैसे तो बहुत ही
स्मार्ट है लेकिन उससे एक एवरेज स्टूडेंट की तरह ही आगे बढ़ना है, और उसे अगर आगे बढ़ने से कोई रोकेगा तो वो दूसरों को मैनिपुलेट करके, अरे मेरा मतलब कि वो अपना 500 प्लस IQ का इस्तेमाल करके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। तुम्हें लगेगा कि इस एनिमे का मेन प्लॉट है कि कैसे ये लोग डी सेक्शन से ए सेक्शन में जाएंगे, लेकिन रियलिटी में मेन प्लॉट अयाना कोजी और उसके एक्शंस है। तो एनिमे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है लेकिन थोड़ी स्लो फील होती है, पर करेक्टर्स इस एनिमे के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे खुद अयाना कोजी, रियन, होरिकिता, साकुरा, कुशीदा, तारुइजावा, इचिनोसे, चाबाशिरा। मैम आप ना मेरे को ना बचपन से मैं बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो मैम। तो इसीलिए हम क्लासरूम ऑफ इलीट को रखेंगे गुड पे। अब स्कूल की बात हो ही रही है तो जैसे चिड़ियाघर में अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, वैसे ही स्कूल में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं। तो किसी महानुभव ने सोचा कि क्यों ना जानवर का भी एक स्कूल बना देते हैं ताकि बच्चों को जानवर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वही आइडिया था बीस्टर्स का, जिसमें हर तरीके के जानवर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मतलब इस एनिमे में सिर्फ जानवर ही है। और यही इस स्टोरी का प्लॉट भी है। इस एनिमे के कैरेक्टर्स ठीक ठाक है, एनिमेशन भी अच्छी है, लेकिन स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी देखने लायक है। अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट ट्राई करना है तो तुम देख सकते हो। इसीलिए बीस्टर्स को हम रखेंगे बकवास वाली कैटेगरी में। तो अब जानवरों की बात हो ही रही है तो इसमें थोड़ा ड्रामा और सस्पेंस भी मिक्स कर देते हैं, क्योंकि अगला एनिमे जिससे हम रैंक करने वाले हैं वो है पैरासाइट। तो पैरासाइट एनिमे की स्टोरी बहुत अच्छी है, तुम्हें बहुत सारे इंटेंस मोमेंट मिल जाएंगे, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ह्यूमन सिविल है या फिर पैरासाइट सिविल है, क्योंकि दोनों की तरफ की स्टोरी बहुत अच्छी है। खास करके मेन प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। अगर इस एनिमे के 100-200 एपिसोड्स भी बना देते तो मैं जरूर देख लेता, लेकिन इस एनिमे के सिर्फ 24 एपिसोड्स थे जिसके कारण स्टोरी थोड़ी रस्ट फील हुई, लेकिन इस एक पॉइंट से एनिमे की क्वालिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम पैरासाइट को रखेंगे बेस्ट पे। मैंने बहुत सारे एक्शन एनिमे देखे हैं और उन्हें रैंक भी किया है, मैंने बहुत सारे स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे भी देखे हैं और उन्हें भी रैंक किया है, लेकिन मैंने सिर्फ एक दो ही रोमकॉम एनिमे देखे हैं और वो भी अच्छी रिकमेंडेशंस वाले। उसी में से एक है री लाइफ। मेरे को नारुतो एनिमे के जुत्सु, ड्रैगन बॉल का कामेहामेहा नहीं चाहिए, मेरे को री लाइफ फील चाहिए, क्योंकि लिटरली इस एनिमे में जो भी हुआ है वो हर कोई फील कर पाएगा। शो का प्लॉट तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, बस स्टोरी थोड़ी स्लो थी, और तो और एंडिंग अच्छी है लेकिन और भी अच्छी हो सकती थी, लेकिन फिर भी इतनी खराब एंडिंग भी नहीं है, इतनी खराब स्टोरी भी नहीं है, अच्छी स्टोरी है, देखने लायक है। और बात रही प्रोटैगनिस्ट की और उसकी बैक स्टोरी की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, इसीलिए हम रियल लाइफ को रखेंगे गुड वाली कैटेगरी में। और कमेंट्स में बताना तुम क्या चूज करोगे, कामेहामेहा या फिर रियल लाइफ पिल। तो आज का फाइनल एनिमे जिसे हम रैंक करने वाले हैं वो है नारुतो शिपुडिन। तो नारुतो शिपुडिन का प्लॉट बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, स्टोरी एंडिंग में थोड़ी खराब हो जाती है, लेकिन 500 में से सिर्फ लास्ट के 10-15 एपिसोड्स, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल खराब एपिसोड्स हैं। ओवरऑल स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ऊपर से इस एनिमे की फाइट्स भी गॉड लेवल है, और फिर ऊपर से ये सीन, भाई मदारा की एंट्री ने तो सबकी पैंट गीली कर दी थी, और फिर ऊपर से इस एनिमे के कैरेक्टर्स साकुरा, सास्के तो बिल्कुल भी नहीं, नारुतो, गारा, हिनाता, शिकामारु, काकाशी, ओबितो, मदारा, इताची, पेन, कोनान, जिराया, 106। जो समझ गया वो कमेंट में 106 लिख देना। और देखो मैंने पहले भी इस वीडियो में बोला था कि जिस एनिमे में जिराया और इताची जैसे कैरेक्टर्स हों तो वो एनिमे खराब कैसे हो सकता है। जब मैंने इसके प्रीक्वल को जिसमें आधे से ज्यादा फिलर एपिसोड्स थे उसे हमने गॉड लेवल पे रखा है तो नारुतो शिपुडिन को हम नीचे कैसे रख सकते हैं। इसीलिए नारुतो शिपुडिन को हम रखेंगे गॉड लेवल पे। तो बस यही है अभी तक की टियर लिस्ट, और भी एनिमे रैंक होंगे और भी कैरेक्टर्स रैंक होंगे, तो बस थोड़ा वेट करो। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे अभी तो नहीं पता, लेकिन कमेंट्स किसके लिए होते हैं, आप लोगों के ओपिनियंस के लिए होते हैं, तो कमेंट्स में बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जिसने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने जुजुत्सु काइसन की इविलनेस के बारे में बताया था, तो इस वीडियो पे क्लिक करो और उसे अभी जाके देखो।